तो बात है 1915 की, जब हमारे महान वैज्ञानिक और सर्चकर्ता अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो इस जो थ्योरी की जो कोर इक्वेशन थी वो थी आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन। अब आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन स्पेस टाइम के कर्वेचर को हमारे मैटर और एनर्जी से जोड़ती थी, मतलब हमारा मैटर या फिर एनर्जी स्पेस में कैसे मूव करेगा वो उस स्पेस यानी उस एरिया के स्पेस टाइम के कर्वेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो जब उन्होंने इक्वेशन देखी और उसको रियल वर्ल्ड पे अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि जो हमारा इक्वेशन है वो ये बता रहा है कि यूनिवर्स स्टैटिक्स और अनचेंजिंग नहीं है, या तो यूनिवर्स छोटा हो रहा है लगातार या तो ये बड़ा होता जा रहा है। अब इस इक्वेशन जो बता रही थी कि यूनिवर्स बड़ा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है, इससे आइंस्टीन बहुत दुखी हुए क्योंकि उनका मानना था हमारा यूनिवर्स अनचेंजिंग और स्टैटिक्स है यानी कभी ना बदलने वाला। तो अपनी बात को यानी अपनी थिंकिंग को सिद्ध करने के लिए उन्होंने इक्वेशन में एक नया टर्म जोड़ा जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट या फिर लैम्डा से जानते हैं। तो बता दें कि लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक टर्मोलॉजी से लिया गया है। तो अब जब आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी जो कोर इक्वेशन है आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जब आइंस्टीन ने लैम्डा जी यू वी ऐड किया और इस इक्वेशन को हमारे रियल वर्ल्ड पे डाला, तो इस इक्वेशन ने शो किया कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो स्टैटिक्स और अनचेंज है, यानी ना बदल रहा है ना चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट आइंस्टीन ने ऐड किया था अपनी इक्वेशन में यानी आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन में, वो तो ना कोई इलामेंट है यानी किसी चीज़ से ना बन रहा है और ना उसको कोई चीज़ बना रही है, बल्कि ये एक एंटी ग्रेविटी है जो स्पेस टाइम के वेब में, जो आइंस्टीन मानते थे कि हमारा यूनिवर्स एक स्पेस टाइम का वेब है, उस पर उत्पन्न हो रहा है। लेकिन दिक्कत अभी नहीं आती है, प्रॉब्लम शुरू होती है 1929 में। एडविन हबल जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि हमारी जो गैलेक्सी है वो यूनिवर्स में एक सिंगल गैलेक्सी नहीं है, यानी हमारी तरह और भी कई मिलियन ट्रिलियन गैलेक्सी हैं और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो उन्होंने ये देखा कि सब की सब जो गैलेक्सी हैं वो हमारे पास आ नहीं रही हैं ना रुकी हुई हैं, बल्कि वो सब रेड शिफ्टेड है यानी लगातार हमसे दूर जा रही हैं। तो जो एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन थी स्टार्स और गैलेक्सी से रिलेटेड, इससे लोगों का ये भ्रम टूटा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक्स और अनचेंजिंग है यानी कभी ना बदलने वाला। और पहली बार 1929 में पूरी तरीके से यानी यूनिवर्सली ये माना गया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार फैल रहा है यानी बड़ा हो रहा है। और ये बात जब आइंस्टीन को पता चली तो उन्होंने माना उनकी इक्वेशन में जो उन्होंने लैम्डा या फिर कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट जोड़ा था वो उनके करियर की सबसे बड़ी भूल है। लेकिन जो आइंस्टीन की सबसे बड़ी भूल थी यानी कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, वो हमारे लिए तोहफा साबित हुई। जैसा कि ये सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, लेकिन यूनिवर्स फैल रहा है तो उसको फैलाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए ना, उसको हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। और डार्क एनर्जी को समझने के लिए कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट या फिर लैम्डा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो सभी चीज़ों को आपस में लाने की कोशिश करती है यानी एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उसके अपोजिट कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट है या फिर जिसको हम आज के टाइम में डार्क एनर्जी के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसको हम लोग लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, वो चीज़ों को पास खींचने के बजाय दूर ढकेलती रहती है। तो एक तरीके से कहा जाए तो आइंस्टीन गलत होकर भी हमको बहुत कुछ सिखा गए। तो देखने के लिए धन्यवाद, और स्पेस साइंस से ऐसे ही और रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।